Hello, welcome to all of you. As you know, we are running this economic survey series. And myself, Sanjay Thakur, I am dealing with chapter 8, jo agriculture and allied services hai. Aur isi shrinkhla mein jo next chapter hai, wo hai aapka animal husbandry aur milk production in India aur in Himachal Pradesh. तो इससे पहले के जो एग्रीकल्चर की वीडियो है उसमें हमने बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें डिफरेंट सेक्टर क्रॉप सेक्टर हमने कर दिया है और आज की वीडियो में हम बेसिकली जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का बहुत एलेबोरेट डिस्कशन किया है इंक्लूडिंग ऑल दी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चाहे वो नेशनल लेवल पर है या फिर स्टेट लेवल पर चलाई जा रही है वो सारा का सारा हमने एक एक्सटेंसिव डिस्कशन कर दिया है। आज की वीडियो में बेसिकली हम कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड अलाइड सर्विसेज का जो है जो सेक्टर है इसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे द वेरी फर्स्ट थिंग जो देखने का है वो है आपका इसका जो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये जो सेक्टर है दिस सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सेक्टर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है अराउंड 89% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। हिमाचल प्रदेश इज एक्चुअली अ रूरल स्टेट और जो रूरल सेटलमेंट्स होती है वो कैसी होती है? एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के साथ साथ हम क्या चलाते हैं? एनिमल सेक्टर्स भी, एनिमल हस्बेंड्री को भी फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, फार्मर प्रैक्टाइज करते हैं जिससे फार्मर्स की जो इनकम है वो सप्लेंट होती है। उनको जो है लीनिंग सीजन में जब कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कोई क्रॉप हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, उस टाइम जो है ये एनिमल हस्बेंड्री वाला जो सेक्टर है वो एक इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो है फार्मर्स की न्यूट्रिशन से रिलेटेड नीड्स को भी कैटर करता है। और इसके साथ देखेंगे ये जो सेक्टर है फार्मर्स का जो ये कंपोस्ट से रिलेटेड जो डिमांड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, जिससे वो अपनी फील्ड को नेचुरली फर्टाइल करता है या फिर उसको नेचुरली फर्टिगेट करता है, उस नीड को भी एनिमल हस्बेंड्री जो है कैटर करती है। अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश में तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर कि 19 out of 20 फैमिली, 19 परिवार जो है इस फार्मिंग को, इस एनिमल हस्बेंड्री को या फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर को प्रैक्टिस कर रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। अगर आप देखेंगे ये सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में इमर्ज हो रहा है जिससे जो है फार्मर्स को बहुत अच्छी इनकम प्रोड्यूस मिल रही है, अच्छी इनकम फार्मर्स को मिल रही है। कहां पर? गांव में और जो सेमी अर्बन टाइप के जो सेटलमेंट है वहां पर फार्मर्स को क्या मिल रही है? एक इनकम सिक्योरिटी इस सेक्टर से प्रोवाइड हो रही है। अगर आप देखेंगे कि लाइफ स्टॉक का जो पॉपुलेशन है तो इसके लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री नेशनल लेवल पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल फिशरी और जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है उस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। तो इस डिपार्टमेंट के तहत जो है ये लाइफ स्टॉक सेंसस रिसेंटली रिलीज किया गया था। इससे पहले ये सेंसस 2012 में रिलीज किया गया था। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे हिमाचल प्रदेश में टोटल लाइफ स्टॉक का 0.82% है। इंडिया में जितना भी टोटल लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक में क्या क्या आता है? आपके कैटल्स आते हैं, काउस और आपकी बुफेलोज आती हैं, और क्या आता है? आपके शीप्स आते हैं, और क्या आता है? गोट्स आती हैं। दीज ऑल कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स कम्स अंडर द लाइफ स्टॉक सेक्टर ओनली। और अगर आप देखें इसका पूरा का पूरा जो इंडिया में इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक की, उसका 0.82% जो लाइफ स्टॉक है वो हिमाचल प्रदेश में है। और अगर आप देखें 0.16% ऑफ द टोटल पोल्ट्री, जो पोल्ट्री है जो हम जो है पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उसका जो है 0.6% जो पोल्ट्री है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और अगर आप देखें कि स्टेट जो है 20th रैंक पर है कैटल की पॉपुलेशन में और 27th रैंक पर है पोल्ट्री की पॉपुलेशन में इंडिया में। तो ये अगर डेटा आपको सेंसस में दिया गया है तो ऑब्वियसली हाई पॉसिबिलिटीज है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाए। तो आप इन सब इंफॉर्मेशन को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में कैटल जो है
जो पूरा का पूरा ये जो कंपोजिशन है लाइफ स्टॉक का, उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? कैटल की है। तो कैटल की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग लगभग 41.42% ऑफ ऑल द लाइफ स्टॉक इन हिमाचल प्रदेश इज कैटल ओनली। और इसी के साथ देखें ये जो पॉपुलेशन है, उसके बाद गोट की पॉपुलेशन है, गोट की पॉपुलेशन कितनी है? 25.11%। एंड अगेन थर्ड अगर आप देखेंगे दैट इज शिप, शिप का जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन में दैट इज 17.92%। देन फॉलोड बाय बुफेलोज, बुफेलोज कितनी है? 14.66%। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो म्यूल्स है, डोंकीज है, एंड देन लास्ट वन इज द पिग्स। तो अगर आप देखें जो ये हमारा ग्राफ है, ये बता रहा है प्रपोर्शन ऑफ या फिर कंपोजिशन ऑफ हो ऑल दीज लाइफ स्टॉक्स इन हिमाचल प्रदेश। द मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ स्टॉक इन हिमाचल प्रदेश किसका है? कैटल्स का है, जिसमें काउज है, फॉलोड बाय गोट्स, देन शीप्स, देन बुफेलोज, इसके बाद म्यूल्स होंगी, डोंकीज, हॉर्सेस एंड अदर लाइफ स्टॉक्स, और पिग्स की जो तादाद है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। इसके बाद देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश में क्रॉस ब्रेड कैटल पॉपुलेशन है, क्रॉस ब्रीड के, क्रॉस ब्रीड यू नो दिस इज द वाइल्ड एंड कोई अदर जो वेराइटी है, जो ब्रीड है क्रॉप की, उसको जो है क्रॉस ब्रीड करके एक अलग प्रकार की जो है हाई यील्डिंग ब्रीड को हम बनाते हैं, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है मिल्क का, जो डिजीज़ रेसिस्टेंट होती है ना, इस तरह की ब्रीड को जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके, क्रॉस ब्रीड करके एक अलग प्रकार की क्रॉस जो है एक लाइफ स्टॉक बनाते हैं। तो इस तरह की क्रॉस ब्रीड कैटल पॉपुलेशन जो स्टेट में है, उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है 8.64%। कब? इन 2019 में, कंपेयर टू 2012 सेंसस, 2012 के सेंसस की अपेक्षा अगर आप देखें क्रॉस ब्रीड कैटल पॉपुलेशन में 8.6% की वृद्धि हुई है 2019 के सेंसस में। और इसी के बाद देखेंगे जो शेयर है, शेयर ऑफ क्रॉस ब्रीड कैटल हैज रीच टू 58.48%। दैट मींस जो हमारा मेजर चंक ऑफ जो कैटल है वो बेसिकली क्या है? क्रॉस ब्रीड है। उसमें अब क्रॉस ब्रीड काउज जो है ज्यादा पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 58% ऑफ 48%। बाकी क्या है? जो वाइल्ड क्रॉप है या फिर सॉरी जो कैटल्स है या फिर जो प्योर कैटल्स है, वो कैटल्स कितनी है? लगभग लगभग 42% है। ज़्यादा कितनी है? 58% इज़ द क्रॉस ब्रीड। तो ये डेटा हमें किसने दिया है? ये सेंसस की तरफ से ये डेटा हमें मिलता है। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इस ग्राफ के थ्रू, इस कर्व के थ्रू हमें बताई जा रही है, वो है परसेंटेज शेयर ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री इन टोटल जो लाइव्स है, जो भी टोटल जो भी हमारा पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक का, उसमें जो है इनका शेयर कितना है। तो अगर आप 2012 के सेंसस का देखेंगे, 2012 में लाइव स्टॉक में कितना परसेंट था? लाइव स्टॉक था 81.4%, जबकि 18.6% क्या था? पोल्ट्री था। और लाइव स्टॉक में थोड़ी कमी आ गई है, कितनी? 76.7% जो है लाइव स्टॉक हो गया है, जबकि अगर आप देखें पोल्ट्री सेक्टर में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। तो अब पोल्ट्री सेक्टर कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 23.3%। सो बेसिकली अगर आप प्रेजेंटली 2019 में भी देखेंगे, जो मेजर चंक है एनिमल हस्बेंड्री का, उसमें 76.7% शेयर किसका है? लाइव स्टॉक का है, जबकि पोल्ट्री का शेयर कितना है? 23.3% ही है। बट इस शेयर में थोड़ी गिरावट हुई है, कब? 2012 से 2019 के बीच में। तो इसके बाद का अगर आप देखेंगे सर्वे में क्या बताया गया है, वो बताया गया है टोटल लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री पॉपुलेशन एज पर द लाइव स्टॉक सेंसस 2019 इन हिमाचल प्रदेश वॉज कितना था? 57.55 लाख। और अगर आप देखें इसमें एक डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट का? 3.2% का इसमें डिक्रीज हुआ है, कब की अपेक्षा? 2012 की अपेक्षा। जो पोल्ट्री की पॉपुलेशन है 2019 में वो कितनी थी टोटल, इंक्लूडिंग दिस लाइव स्टॉक और दूसरा प्लस पोल्ट्री, इन दोनों का जो पॉपुलेशन था वो कितना था? 57.55 लाख। और इसमें जो कमी आई है कितने प्रतिशत की? वो आई है 3.24% की गिरावट आई है। किसकी अपेक्षा? जो हमारा सेंसस 2012 में
हुआ है। और अगर आप मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, बेसिकली हम एनिमल हस्बेंड्री से क्या करते हैं, इन एनिमल्स को, चाहे वो कैटल है तो इनको रियर करते हैं हम किसके लिए, मिल्क के लिए, या फिर जो गोट है या फिर शीप है इनको रियर करते हैं हम वूल के लिए, या फिर मीट के लिए, पोल्ट्री को रियर करते हैं हम मीट के लिए। तो ये सारा का सारा जो रियरिंग ऑफ दिस लाइफ स्टॉक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके से हम जो है इनसे प्रॉफिट कमाते हैं। तो बेसिकली कैटल से हमें क्या सिक्योरिटी मिलती है, मिल्क की सिक्योरिटी मिलती है, जो फार्मर को क्या प्रोवाइड करता है, एक इनकम सिक्योरिटी के साथ साथ फार्मर को जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड नीड को भी कैटर करता है। तो अगर आप सर्वे में देखेंगे जो हमारी स्टेट में मिल्क का प्रोडक्शन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसमें जो है जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है, 11.39 लाख टन जो है 2012-13 में कितना होता था, 2012-13 में जो प्रोडक्शन हो रहा था आपका 11.39 लाख टन, वो अब कितना हो गया है 2022-23 में, उसमें वृद्धि होकर कितनी हो गई है, ये हो गई है 16.54 लाख टन। सो आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी एक वृद्धि हुई है। अगर आप क्यूमुलेटिव ग्रोथ की बात करें, कंपाउंड एग्रीगेट जो ग्रोथ रेट है इतने सालों का, लगभग 10 सालों का, वो कितना है, वो है 3.8%। सो ये जो ग्रोथ मार्जिन है ये कितना है, 3.8% की इसमें वृद्धि हुई है। तो ये आपने डेटा याद रखना है। इसके बाद देखें आप काउ मिल्क, मिल्क का जो कंपोजिशन है, कौन कौन सी जो है, हम कैटल से कितना मिल्क लेते हैं, बुफलो से कितना मिल्क लेते हैं, या फिर गोट से हम कितना मिल्क लेते हैं। सो ये जो मिल्क प्रोडक्शन का कंपोजिशन है ये किस प्रकार का है, तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो हमारे सेंसस में जो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन था वो किसका था, 41% हमारी कैटल्स थी। इसीलिए कैटल से जो हमें मिल्क मिलता है वो भी सबसे ज़्यादा है, कितना है, वो है 70%। 70% ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश comes from cattle only। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद second one is this buffalo milk, कितना है 27%। So सबसे ज्यादा cattle, उसके बाद buffalo, और इसके बाद अगर आप देखें share of goat is only 3.0%। तो goat को किसके लिए हम rear करते हैं, basically हम उसको रियर करते हैं मीट के पर्पस से, मांस के पर्पस से। मिल्क के लिए बेसिकली हम किसको रियर करते हैं, काऊ को रियर करते हैं। एंड सेकंड वन इज दिस, जो ये है आपकी जो है बुफलो को रियर करते हैं। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हिमाचल प्रदेश में, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, पर कैपिटा का मतलब क्या हुआ, जो है प्रति व्यक्ति के पास कितना मिल्क अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए, वो हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक एग्रेरियन को सोसाइटी है, एग्रेरियन हम स्टेट है ना, इसीलिए यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री बहुत अच्छी हो रही है। हर घर में आपको काउस कैटल्स मिलेगी, इसकी वजह से मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी है, 650 ग्राम पर डे है। कब का डेटा है, 2022-23 का डेटा है। और अगर आप इससे पहले के डेटा की बात करें तो कितना था, 455 ग्राम पर डे, कब, सन 2012-13 में। अगर आप देखें 2012-13 में जो मिल्क अवेलेबिलिटी थी, दैट वाज ओनली 455 ग्राम पर पर्सन। और अगर आप अभी की बात करें प्रेजेंटली इन 2022-23 में, वो कितनी हो गई है, 650 ग्राम पर पर्सन। तो इसमें भी बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। और अगर आप नेशनल एवरेज की बात करें तो नेशनल एवरेज 2022-23 में कितना है, ये सिर्फ और सिर्फ है 427। तो नेशनल एवरेज से हमारे यहाँ पर जो मिल्क अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, कितनी है, 650 ग्राम पर पर्सन। तो ये भी डेटा इंपॉर्टेंट था, तो आपने ये ध्यान रखना है, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन हिमाचल प्रदेश इज
higher than the national average, whereas in national level it is only 427 gram और स्टेट लेवल पर है 650 ग्राम पर पर्सन. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है. तो अगर आप प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हिमाचल प्रदेश में लाख टन्स में देखेंगे तो ये एक डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में दिया गया है. इस डेटा में आप देखेंगे जो हमारा 2020-21 में मिल्क प्रोडक्शन था वो कितना था, 15.76 लाख टन. और ये जो प्रीवियस ईयर उससे मतलब 2020-21 तो 2019-20 की अपेक्षा इसमें ग्रोथ थी कितने की 2.9% की. और अगर आप देखेंगे 2020 में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क था वो कितना था, 630 ग्राम पर डे. और अगर आप 2021-22 का डेटा देखेंगे तो इसमें 16.15 लाख टन हमने मिल्क प्रोड्यूस किया हिमाचल प्रदेश में, जो ग्रोथ कितनी थी, 2.5% की ग्रोथ थी. और अगर आप देखें तो ये जो पीसी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर ग्राम पर डे था वो कितना था, 645 ग्राम पर डे हर एक आदमी को मिल्क मिलता था. और प्रेजेंट जो डेटा है, जो एस्टिमेटेड डेटा है 2022-23 का, उसमें जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, 16.54 लाख टन्स. तो ग्रोथ कितना है, 2.4% का. और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर ग्राम पर डे कितना है, 650 ग्राम का मिल्क अवेलेबल है. और स्टेट लेवल पर कितना है, 427 ग्राम पर डे नेशनल लेवल का मिल्क अवेलेबिलिटी है. तो ये डाटा आपने याद रखना है. सो ये मिल्क था. और इसके बाद जो सेकंड है वो है मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन. तो मीट के केस में देखें तो मीट प्रोडक्शन में स्टेट में थोड़ी सी कमी हमने देखी है, उसमें डिक्रीज हमने देखा है. और जो एग प्रोडक्शन है हिमाचल प्रदेश में उसमें भी थोड़ी सी हमने वृद्धि देखी है. कितनी वृद्धि देखी है, 2011-12 में जो 10.50 लाख टन जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे पोल्ट्री, वो अब कितना हो गया, 11 लाख टन हो गया है. कब, 2022-23 में. नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर. लाइफ स्टॉक सेक्टर में ग्रोथ किस प्रकार से है आप देखेंगे लाइफ स्टॉक सेक्टर में. तो लाइफ स्टॉक सेक्टर में बेसिकली हम क्या रियर करते हैं, हम जो है मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, हम मीट प्रोड्यूस करते हैं, हम वूल प्रोड्यूस करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल और प्रोड्यूस दैट वी ड्रॉ फ्रॉम दिस लाइफ स्टॉक सेक्टर. आप देखें ये जो है इम्पॉर्टेंट सब सेक्टर है एग्रीकल्चर में. इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने पहले भी कर दिया है 1.61% इसका शेयर है हमारे ग्रॉस ट्रेड वैल्यू एडिशन में, और 12% इसका शेयर है हमारे एग्रीकल्चर का जो ग्रॉस ट्रेड वैल्यू एडिशन है उसमें कितना शेयर है, 12% का शेयर है. कब का डेटा है, इसी टाइम का डेटा है, प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे 22-23. अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश में ग्रॉस वैल्यू आउटपुट जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर ने, उसमें भी एक वृद्धि हुई है. कितनी वृद्धि हुई है, वो हुई है आपकी 5,494 करोड़ से जो है कितनी हुई है, 6,793 करोड़ की हुई है. तो अगर आप 2018-19 का डेटा देखेंगे उसमें जो वृद्धि हुई है वो कितना था, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट था 5,496 करोड़, और इसमें जो वृद्धि हुई है 2022-23 में वो कितनी हो गई है, 6,793 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है. तो ये आप देखें तो इसमें इसकी वैल्यू में भी निरंतर वृद्धि हो रही है. लाइफ स्टॉक सेक्टर में जो ग्रोथ आस्पेक्ट है वो कितना है, 2022-23 में 4.3% का इसमें ग्रोथ हमने देखा था, जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है, क्योंकि 2022-23 का अभी जो फाइनल डेटास है वो अभी आने हैं. अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड 2017-18 से 22-23 तक लाइफ स्टॉक सेक्टर ने जो एवरेज ग्रोथ है, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है, वो कितनी है, 8.2% की ग्रोथ इस सेक्टर में हुई है. जबकि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 2.4% की थी. तो एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है इसमें जो ग्रोथ है वो आपकी 8.2% थी. कब, पिछले जो है 5 सालों में. जबकि एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ हुई है वो थोड़ी कम है, वो कितनी है, 2.4% ही है. इसीलिए ये जो सेक्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है. अगर हम बात करें फार्मर्स को
इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एनिमल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखें ब्रेकअप ऑफ, अगर आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे सेक्टर में जो डिफरेंट डिफरेंट इसके जो यूनिट्स है उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जो हम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखें यहां पर आपको मिल्क प्रोडक्शन है। मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या मिलता है, किससे हम बेनिफिट गेन कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन। तो एनिमल हस्बेंड्री में मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां से आ रहा है, मिल्क का कितना है 93.10%, और उसका जो अगर आप जो वैल्यू देखेंगे वो कितना है 6,324 करोड़ तक का आप इससे वैल्यू गेन कर रहे हैं। और अगर आप सेकंड देखेंगे देन इट इज द मीट, गोट की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पर कितनी है 2.67% और 182 करोड़ रुपीज का आप इसे बेनिफिट ले रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज में। एंड थर्ड वन इज दिस डंग्स, गांव में जो आपकी काउज है इससे जो आप डंग लेते हैं उसका भी कुछ वैल्यू होता है, एंड दिस वैल्यू इज ऑफ द ट्यून ऑफ 1.75%। अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो है 118 करोड़। तो अगर आप नेक्स्ट देखेंगे देन वूल एंड हेयर्स जो आपके मेनली शिप से हम लेते हैं वो कितना है 0.84%, दैट इज द वैल्यू इज 57 करोड़। उसके बाद जो पोल्ट्री सेक्टर है जिसमें हम मेनली एग्स लेते हैं तो कितना है 0.82%, विच इज़ द वैल्यू ऑफ 55 करोड़, फॉलोड बाय कुछ अदर जो प्रोड्यूस हम लेते हैं 0.45%, 31 करोड़, और लास्ट में सिल्क वॉर्म कोकून्स और हनी उसका कितना शेयर है 0.3%, और कितनी वैल्यू है 26 करोड़ की वैल्यू है। तो ये इसका कंपोजिशन है, आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो हम ड्रॉ करते हैं वो क्या ड्रॉ करते हैं, हम मिल्क से वैल्यू, हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहां से आ रही है, मिल्क से आ रही है, फॉलोड बाय मीट, मीट के बाद जो है दैट इज डंग। डंग इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर फार्मर कम्युनिटी, है ना, डंग से ही वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस होता है, डंग से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। सो आप देखिए जो एनिमल हस्बेंड्री है वहां से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है उससे भी फार्मिंग कम्युनिटी को एक मॉनेटरी वैल्यू में बेनिफिट मिलता है। जो हमारी गवर्नमेंट्स है उनको निरंतर इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, फार्मर्स को प्रमोट करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो आप टॉपिक देखेंगे दैट इज गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है इसके लिए, आप देखें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, आप देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनिमल हस्बेंड्री सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल इकोनॉमी के लिए, और हमारी इकोनॉमी 89% क्या है, रूरल है। इसलिए जो भी हेंस स्टेट डिवोट्स क्या करती है, बहुत सारे रिसोर्स या फिर पॉलिसीज को किसके लिए डिवोट कर रही है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के लिए। और कौन कौन से एरिया है, सबसे पहले देखें एनिमल की हेल्थ और डिसीज को कंट्रोल करना, ऑब्वियसली दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो एरिया है वो है कैटल डेवलपमेंट करना, अच्छी अच्छी ब्रीड्स की काउस को प्रोड्यूस करना, क्रॉस ब्रीड करके उसमें निरंतर एक प्रयास करना, कुछ इम्प्रूवमेंट होते रहे, और शिप ब्रीडिंग के लिए की दिशा में भी कार्यरत होना, और जिससे जो है वूल डेवलपमेंट को एक प्रमोशन मिल सके, एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट, फीड और फॉडर डेवलपमेंट, जो भी काउस है उनके लिए फीडिंग न्यूट्रिशियस फीड की अवेलेबिलिटी हो इस दिशा में प्रयास करना, वेटरनरी एजुकेशंस एंड लाइव स्टॉक सेंसस, ये सारे के सारे कुछ एक एरियाज है जिस एरिया पर गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। इसके साथ ही जो देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज अंडर एनिमल हस्बेंड्री, आप देखिए अंडर एनिमल जो हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके तहत जो डिजीज कंट्रोल, जो वेरी फर्स्ट जो एरिया था, एरिया ऑफ कंसर्न क्या हो सकता है, डिजीज कंट्रोल, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेट लेवल की वेटरनरी हॉस्पिटल खोला गया है, जो कहाँ है, शिमला में लोकेटेड है। इसके साथ 3 जोनल हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, साथ में कुछ 10 पॉलीक्लिनिक्स भी बना दिए गए हैं जो स्टेट में फंक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज कैटरिंग टू दिस डिमांड ऑफ कंट्रोलिंग द डिजीज एस्पेक्ट, किसी भी तरह का डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इस सेक्टर में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक स्टेट लेवल का वेटरनरी हॉस्पिटल है, 3 जोनल हॉस्पिटल है, और इसके साथ साथ
10 पॉलीक्लिनिक भी स्टेट में वर्क कर रहे हैं। और शीप ब्रीडिंग की दिशा में अगर आप देखेंगे, अलग अलग शीप ब्रीडिंग फार्म बनाए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शिमला डिस्ट्रिक्ट में ज्यूरी में एक शीप ब्रीडिंग फार्म है, उसके साथ हमीरपुर में ताल में एक शीप ब्रीडिंग फार्म है, और उसके साथ अगर आप देखें किन्नौर में करछम में भी एक शीप ब्रीडिंग फार्म जो है बनाया गया है। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो एरिया था वो था वन रैम सेंटर जो है उसको, उसके लिए एक सेंटर बनाया गया है। कहाँ? नगवाई में। नगवाई कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। यहाँ पर भी जो रैम्स है इनकी जो है वेराइटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये सेंटर चलाया जा रहा है, इनको क्रॉस ब्रीडिंग करने के लिए सेंटर चलाया जा रहा है। कहाँ पर? नगवाई में। इसके बाद आप देखेंगे द स्टेट हैज स्विच्ड ओवर टू प्योर ब्रीडिंग एट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फार्म इन 9 शीप्स एंड वूल एक्सटेंशन, 9 शिप एंड वूल एक्सटेंशन सेंटर कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ शेपर्ड इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्योर हॉगेट्स एंड एस्टेब्लिश पॉपुलरिटी ऑफ रशियन मेरिनो एंड रेम्बुलेट। तो ये भी देखें कि स्टेट क्या हो गई है, स्टेट ने अब जो है स्विच कर दिया है, ओवर टू प्योर ब्रीडिंग करनी है हमने एट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फार्म। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फार्म है, कितने गवर्नमेंट फार्म है जिसमें 9 शिपिंग गवर्नमेंट फार्म्स है एंड वूल एक्सटेंशन सेंटर टू कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ शेपर्ड इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्योर हॉगेट। तो आप देखेंगे इस दिशा में कि हमें जो है प्योर ब्रीडिंग हो पाए हमारी शिप्स की, इसके लिए गवर्नमेंट अपने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फार्म में वर्क कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे ड्यूरिंग 2022-23 वूल प्रोडक्शन जो है 1500 टन होने की संभावना है। और अगर आप देखें अंगोरा रैबिट फार्म, ये कहां पर है? कंदवाड़ी कांगड़ा में लोकेटेड है, और नगवाई मंडी में अंगोरा रैबिट फार्म भी लोकेटेड है। और इसके बाद देखेंगे वन हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है कहां पर है? लरी में, लाहौल स्पीति में फंक्शनिंग है वन हॉर्स ब्रीडिंग फार्म। दिस इज द ओनली हॉर्स ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश। कहां है? लारी लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रिजर्व स्पीति ब्रीड ऑफ हॉर्सेज, जो हॉर्सेज आपके स्पीति में पाए जाते हैं उसकी ब्रीड को, उस ब्रीड को, इंडिजिनस ब्रीड को जो है प्रिजर्व करने के लिए लरी में जो है एक वन हॉर्स ब्रीडिंग फार्म चलाया जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक याक ब्रीडिंग फार्म भी चलाया जा रहा है, कहाँ पर? यहीं पर लारी में ही ये भी बनाया गया है। और अगर आप देखें कुछ वेलफेयर स्कीम की बात करें इस सेक्टर में, तो एनिमल हस्बेंड्री में जो है बहुत सारी वेलफेयर स्कीम भी चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो वेलफेयर स्कीम में सबसे पहली स्कीम है बीपीएल फार्मर्स के लिए। आप देखें बीपीएल जो जनरल बीपीएल फार्मर्स है, जिसमें जिसके तहत जो ये बीपीएल फैमिलीज है जनरल कैटेगरी की, इनको जो है 50% की सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है। किसके लिए? जो भी प्रेगनेंसी राशन दिया जाएगा 30 किलोग्राम पर डे ड्यूरिंग जो है जो ये काउज होती है इनकी प्रेगनेंसी के दौरान। सो इंडिजीनियस एंड क्रॉस ब्रिड क्राउ, जो भी ये इंडिजीनियस एंड क्रॉस ब्रिड क्राउ है ओन्ड बाय बीपीएल फैमिली इन जनरल कैटेगरी, इनके लिए 50% की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई है ऑन प्रेगनेंसी राशन। जब काउ प्रेग्नेंट है उस दौरान जो उसको फीडिंग दी जाती है, उस फीडिंग में जो है इनको 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। कब टू 3 किलोग्राम पर डे तक का जो राशन है वो किस सब्सिडी पर दिया जा रहा है? 50% की सब्सिडी पर दिया जा रहा है, ठीक है जी। और अगर आप देखेंगे सेकंड वन इज, इसका जो पर्पस है वो क्या है? मिल्क की प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाए। दूसरा जो रिड्यूस द इंटर कालविंग पीरियड का मतलब क्या हुआ? इंटर कालविंग पीरियड है कि जो काऊ में जो एक काल्फ है, जब वो एक बार जो काऊ जो है काल्फ प्रोड्यूस करती है, उसके बाद जो सेकंड काल्फ के बीच में जो पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, तो उस पीरियड को बोलते हैं इंटर काल्विंग पीरियड। काल्फ क्या होता है? काऊस के जो बेबीज होते हैं, दैट मींस दिस इज नॉन एज इंटर काल्विंग पीरियड को रिड्यूस करना। और इसकी वजह से काउस को जो है उसकी जो प्रेग्नेंट काउ है उसकी हेल्थ भी अच्छी हो पाए। इस दिशा में सरकार 50% के अनुदान प्रोवाइड कर रही है जो है प्रेग्नेंट काउस के लिए, ऐसी फैमिलीज के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बेसिकली इन जनरल कैटेगरी ओनली। इसके बाद देखें एक उत्तम पशु पुरस्कार योजना चलाई जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। इस स्कीम के तहत 100 लाख
की 100 लाख की स्कीम है और ये उन फार्मर्स के लिए है जो मिल्च कैटल या फिर बुफेलोज से जो है मिल्क आउटपुट को कितना कर रहे हैं, 15 लीटर से ज़्यादा मिल्क ये जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसको ये एक तरह का रिवार्ड प्रोग्राम है, किसके लिए, जो ये जो भी ये फार्मर है जो डेली डे में कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, 15 लीटर से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए 1,000 रुपये का जो है एक रिवार्ड दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद देखेंगे एक पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम है, तो ये लाइफ स्टॉक के लिए था, कैटल्स के लिए था। इसके बाद अगर आप देखेंगे पोल्ट्री डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे पहले बैकयार्ड पोल्ट्री एक पोल्ट्री प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ चिक्स को हम जो है फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आप देखें 50 से 100 नंबर्स ऑफ चिक्स को जो 3 वीक ओल्ड है, 3 वीक ओल्ड चिक्स कितने 50 to 100 जो कैसे हो, ओल्ड लो इनपुट टेक्नोलॉजी के बर्ड हो, ओल्ड लो इनपुट 3 वीक ओल्ड जो कैसे हो, लो इनपुट टेक्नोलॉजी के बर्ड हो, दैट मींस ये वो बर्ड होते हैं जो मैक्सिमम एग्स को प्रोड्यूस करते हैं मिनिमम कॉस्ट पर, थोड़े से टाइम पर सब बहुत ज़्यादा अंडे ये प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह के बर्ड्स को बोलते हैं लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड। तो इस लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ब्रीडर्स के लिए, कितने 50 to 100 इन नंबर्स ऑफ चिक्स जो कितने हो 3 वीक्स ओल्ड हो। तो ये एक बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट है। एक दूसरा प्रोजेक्ट है वो है आपका हिम कुक्कड़ पालन योजना। तो हिम कुक्कड़ पालन योजना में 120 पोल्ट्री यूनिट स्टेट में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, साथ ही साथ बेनिफिशरीज को ब्रॉयलर चिक्स फीडर्स या फिर ड्रिंकर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और बेनिफिशरी को 60% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, चाहे वो शेड बना रहा है फीडर्स या फिर ड्रिंकर्स को प्रोक्योर कर रहा है, उस दिशा में उसके लिए 60% की अनुदान या फिर सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, और अगर वो कोई चिक्स को जो है प्रोक्योर कर रहा है उसके लिए भी उसके लिए सब्सिडी 60% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। जो थर्ड प्रोग्राम है वो है इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ लो इनपुट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में देखें कि इन दिस प्रोजेक्ट 200 बेनिफिशरीज जो है 4 वीक ओल्ड LIT बर्ड्स को जो है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 200 बेनिफिशरीज के लिए इन 2 batches बेसिकली 200 LIT चिक्स ईच एट 72 वीक्स के इंटरवल पर ये जो है हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने ये बर्ड हो गए, ये हो गए आपके 4 वीक ओल्ड बर्ड, कब तक होंगे 200 बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किए जाएंगे, लगभग कितने 400 वीक 4 वीक ओल्ड LIT बर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कितने इंटरवल पर करेंगे 72 वीक के इंटरवल पर करेंगे, एज वेल एज 15,000 इन हेल्प फॉर शेल्टर फीड एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसिव, इसके लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है थर्ड जो प्रोग्राम है इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट ब्रॉयलर अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ये भी IPP है। अंडर दिस स्कीम 200 बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किए जाएंगे 604 वीक ओल्ड LIT बर्ड्स इन 4 इंस्टॉलमेंट में ये दिए जाएंगे, एज वेल एज फंडिंग के लिए भी इनको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगी। जैसे यहाँ पर 15,000 की फंडिंग हुई थी, यहाँ पर भी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम है, जो नेशनल लेवल पर जो प्रोग्राम चल रहा है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और ये प्रोग्राम जो है बेसिकली किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी जितनी भी इंडिजीनियस काउज है उनको प्रिजर्व प्रोपोगेट और उनकी डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है। तो ये प्रोग्राम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लेवल का ये प्रोग्राम है, जिसके तहत हिमाचल में भी कई तरह के प्रोग्राम्स को फंड किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम बहुत क्रिटिकल है काउ मिल्क आउटपुट को बढ़ाने के लिए या फिर बोवाइन काउ की कैटल्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और जो भी हमारी मिल्क से रिलेटेड डिमांड है उसको कैटर करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा है। आप देखेंगे इसके तहत कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है
वो है हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मूरा ब्रीडिंग फार्म। मूरा एक बुफेलो की ब्रीड है, इसके लिए एक ब्रीडिंग फार्म एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है? ये किया जा रहा है ऊना में अंडर दी राष्ट्रीय गोकुल मिशन वन। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोकुल ग्राम इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना। ऊना में जो है एक गोकुल ग्राम एस्टेब्लिश किया जा रहा है इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल रियरिंग विद द गोल ऑफ कंजर्वेशन करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस ब्रीडर। इस दिशा में ऊना में एक गोकुल ग्राम एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके तहत क्या है? लोकल कैटल एंड इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट। तो इसके तहत यही है कि जो हमारी इंडिजिनियस जो हमारी कैटल्स है या फिर बुफेलोज है उनको हम प्रोटेक्ट करें, प्रोपोगेट करें और उनकी डेवलपमेंट की दिशा में हम काम करें। इसके लिए हमने जो है एक ऊना में गोकुल ग्राम एस्टेब्लिश किया है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। थर्ड जो एरिया है वो है नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्कीम। नेशनल वाइड पूरे नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की स्कीम है। तो इस स्कीम के तहत क्या है, हम जो है क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फार्मर को उनके डोर स्टेप पर जाकर, जिससे क्या होगा, मिल्क की प्रोडक्शन में एक बूस्ट आएगा और बोवाइन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ फार्मर्स की इनकम में भी वृद्धि हो गई, जिससे क्या होगा। और दिस कॉन्सेप्ट इज बींग एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन आल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। 5 साल के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है 2021-22 से 25-26 तक। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम है, आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है आपका प्रोजनी टेस्टिंग जर्सी प्रोग्राम इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा में जो है जर्सी की प्रोजनी को टेस्ट करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जर्सी एक हमारी कौ है, जो है क्रॉस ब्रिड कौ है जर्सी। द इनिशिएटिव इज बींग एक्सोटिक वेराइटी ऑफ कौ इज जर्सी एक्चुअली। द इनिशिएटिव इज बींग एग्जीक्यूटेड इन 800 रेवेन्यू के जो हमारे 800 रेवेन्यू विलेजेस है वहाँ पर, ये कांगड़ा के 800 जो विलेजेस है वहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 115 डिपार्टमेंट्स के वेटरनरी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है विद द फॉलोइंग गोल्स। अब इस प्रोजनी टेस्टिंग के कुछ एक गोल्स है जो हम इस प्रकार से देखते हैं। तो ये प्रोजनी टेस्टिंग किसके लिए है? बेसिकली ये है हमारी जर्सी कऊ को प्रिजर्व प्रमोट करने के लिए। और जो टारगेटेड एरिया है वो कहाँ है? बेसिकली कांगड़ा में। कांगड़ा में 800 में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम का जो इंपॉर्टेंट जो एम है वो क्या है वो आप देखेंगे। टू अचीव कंसिस्टेंट जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो जर्सी कैटल की वैरायटी में और इसके साथ ही मिल्क, फैट, सॉलिड, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट में बहुत अच्छी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक आए, इस दिशा में हमें काम करना है। टू कंस्ट्रक्ट जेनेटिक असेसमेंट एंड सिलेक्शन सिस्टम ऑफ बुल मॉम्स, बुल सायर्स। तो अच्छी क्वालिटी के बुल हो, अच्छी क्वालिटी के बुल सायर्स हो, जिससे जो है अच्छी क्वालिटी के काल्फ प्रोड्यूस हो पाए। तो जेनेटिक असेसमेंट के लिए उनको अच्छे बुल मॉम्स, बुल साइड्स को हम सेलेक्ट करें। और क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जेनेटिकली असिस्ट बुल काल्व्स फॉर सीमन स्टेशन थ्रू आउट टेस्टिंग। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 228 लाख का जो है हमारे हिमाचल प्रदेश ने रिसीव किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थ्रू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। कितने फंडिंग हुई है? 228 लाख की फंडिंग हुई है जो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को फंड कर रही है। इसके साथ देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक ETT अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साहिवाल और रेड सिंधी। ये साहिवाल और रेड सिंधी क्या है? ये एक इंडिजिनियस कैटल ब्रीड से हमारी, इनकी कंजर्वेशन और प्रोपोगेशन के लिए एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और अगर आप देखें के तहत इस्टेब्लिश किया गया, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फंड रिलीज किए हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। और ये लेबोरेटरी कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है? पालमपुर में इस्टेब्लिश हो रही है। तो क्या है, एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हो रही है पालमपुर में, बेसिकली कौन सी ब्रीड के लिए, फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साहिवाल एंड रेड सिंधी ब्रीड। तो ये हमारी इंडिजिनियस कैटल की ब्रीड है, इनको कंजर्व करने के लिए ही जो है इसका जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस कंजर्व करने के लिए इस प्रोग्राम के तहत हम वर्क कर रहे हैं। और ये एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो लेबोरेटरी है कहाँ इस्टेब्लिश हुई है? पालमपुर में इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है कहाँ इस्टेब्लिश हुई है, पालमपुर में। और अगर नेक्स्ट देखेंगे वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कम ट्रेनिंग सेंटर
अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया गया है कैटल के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। वो कहाँ पर है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश कर दिया गया है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे द वेरी नेक्स्ट एरिया जो इस प्रोग्राम के तहत वर्क कर रहा है वो है कंजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ पहाड़ी गौ। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। कंजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ पहाड़ी गौ। पहाड़ी गौ क्या है? हमारे हिमाचल की जो इंडिजिनस ब्रीड है वो क्या है? पहाड़ी गौ है, जो अब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जहाँ पर हमारी जो इंडिया की इंडिजिनस ब्रीड्स है उसको इनलिस्ट किया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, इसमें जो है हमने हिमाचल पहाड़ी गौ को भी रजिस्टर कर दिया गया है। और अब इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? हिमाचली पहाड़ी। हिमाचली पहाड़ी जो है इसका एक ऑफिशियल नाम है जो किसमें इनलिस्ट किया गया है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स में इंक्लूड कर दिया गया है। इसके तहत अब हिमाचली पहाड़ी किस कैटेगरी में आ गई है? जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, ये सब क्या है? ये भी हमारी इंडिजिनस काउज है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस काउ के कंजर्वेशन के लिए, प्रोपोगेशन के लिए अब एक फंड भी रिलीज किया है। वो कितना लाख है? 464 लाख की फंडिंग हुई है। लाख की फंडिंग हुई है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारी हिमाचली पहाड़ी कैटल को, काउ को प्रोपोगेट और प्रमोट करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया आप देखेंगे, जो नेक्स्ट एरिया जो प्रोग्राम है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। मैत्री प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, रूरल इंडिया में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को प्रमोट करने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मैत्री प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो है बोवाइन पॉपुलेशन में, कि बोवाइन की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की दिशा में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को प्रमोट करना है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कवरेज जो है हमें बढ़ानी है, ये एक प्रोग्राम है। हिमाचल प्रदेश में 18 मैत्रीज को जो है ट्रेन किया गया है, जो है इस प्रोग्राम के तहत 18 मैत्रीज को ट्रेन किया गया है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यूजिंग सेक्स सॉर्टेड सीमन। सेक्स सॉर्टेड सीमन का ये जो प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली फोकस्ड फॉर, किसके लिए फोकस है? सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेलेक्शन करें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, जिसमें हम सिर्फ फीमेल काल्फ को ही प्रोड्यूस करें, जिसमें जो सेलेक्शन की जो हमारी एक्यूरेसी है वो कितनी है? 80% की इसमें एक्यूरेसी हो। तो आप देखें ये जो प्रोग्राम है एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यूजिंग सेक्स सॉर्टेड सीमन, दैट मीन सेक्स सेलेक्शन का जो ये एक मैकेनिज्म है, इसमें क्या? फॉर गेटिंग एश्योर्ड प्रेगनेंसी अंडर द RGM राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उससे सैंक्शन स्कीम है। अंडर दिस स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्या कर रहा है एंड डेयरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है यूजिंग सेक्स स्पर्म टू इंश्योर प्रेगनेंसी। इसका जो गोल है वो कुछ इस प्रकार से है। आप देखेंगे इसका जो गोल है वो किसके लिए है? फीमेल काल्फ्स को ही प्रोड्यूस करने के लिए है। टू प्रमोट द यूज ऑफ सेक्स सीमन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल काल्फ ऑर्ली 90% एक्यूरेसी हो इसमें। तो इस प्रोग्राम के तहत हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? फीमेल काल्फ्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, इसकी वजह से क्या होगा? अगर फीमेल काल्फ ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इन दैट केस ओनली काल्फ्स मीन्स जो कैटल के बेबीज होते हैं, है ना, टू इनहांस मिल्क प्रोडक्शन एंड फार्मर इनकम थ्रू प्रोडक्शन ऑफ फीमेल काल्फ। फीमेल काल्फ्स होंगे तो ऑब्वियसली आगे जाकर उनको जो है रियर किया जाएगा, उनसे मिल्क रियर किया जाएगा। सो जिससे फार्मर की जो इनकम है उसमें वृद्धि होगी। इंक्रीज्ड एवेबिलिटी ऑफ फीमेल के काल्फ्स, हाई जेनेटिक मेकअप एंटरप्रेन्योर, दैट मींस किसी तरह से हम जो है मेल काल्फ्स की पॉपुलेशन को रिड्यूस करें और सिर्फ फीमेल काल्फ्स को ही बढ़ावा दें। ऐसा ये जो प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यूजिंग सेक्स सॉर्टेड सीमन। और ये प्रोग्राम इसको कौन सेंक्शन प्रोवाइड करता है? हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन सेंक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसके लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सीमन स्टेशन,
इसके लिए जो सीमेन स्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड एलोकेट किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीमेन स्टेशन, कहाँ पर? पालमपुर में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे वो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसके तहत अलग अलग एरिया को टारगेट किया गया है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत अलग अलग एरिया को टारगेट किया गया है। सबसे पहला एरिया है गोट डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड इनिशिएटिव, जिसके तहत 90% सेंट्रल शेयर होगा, 5% जो है आपका स्टेट का शेयर होगा, 5% जो है फार्मर को खुद जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसके लिए? गोट डेवलपमेंट के लिए। गोट की दिशा में अगर कोई प्रोग्राम आपने चलाना है तो उसके लिए फंडिंग होगी कितनी? 90% की सेंट्रल गवर्नमेंट से, 5% की स्टेट गवर्नमेंट से, और 5% ही सिर्फ फार्मर को खुद बियर करना पड़ेगा। दूसरा प्रोग्राम है पिग डेवलपमेंट के लिए, इसके तहत भी सेम तरह का फंडिंग मैकेनिज्म है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग प्रोग्राम है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत 90% की सेंट्रल स्पॉन्सर, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा। पिग ब्रीडर क्या होंगे? चाहे वो अगर वो लैंडलेस है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, तो उनके लिए 95% की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी पिगरी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट उनकी होती है। अभी तक 156 पिग यूनिट्स को हमने इस्टेब्लिश हिमाचल प्रदेश में कर दिया है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस की दिशा में। तो लाइफ स्टॉक की इंश्योरेंस की दिशा में भी कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अंडर दिस स्कीम 60% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसमें 60% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। किसके लिए? पर एनिमल की इंश्योरेंस के लिए। किसके लिए? जो अबव पॉवर्टी लाइन के फार्मर्स है, जबकि 80% की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जा रही है किसके लिए? जो BPL फैमिली या फिर शेड्यूल कास्ट है या फिर शेड्यूल ट्राइब है। तो ये एक इंश्योरेंस प्लान है किसके लिए? पर एनिमल की डेथ हो जाती है उसके तहत उसको जो इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, हर फार्मर्स को इसके लिए कुछ प्रीमियम बियर करना पड़ता है, तो उस प्रीमियम पर जो है 60% का डिस्काउंट अबव पॉवर्टी लाइन के फार्मर के लिए है, और जो है 80% का डिस्काउंट BPL फैमिली और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंश्योरेंस सर्विस जो है 20,000 एनिमल को प्रोवाइड कर दी गई है। 20,000 जो है एनिमल्स को इसके अंडर लाया गया है 8 डिस्ट्रिक्ट में, बेसिकली बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर एंड ऊना। और नेक्स्ट देखेंगे प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज रेम्स टू शीप ब्रीडर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ जो भी ऑल कैटेगरीज ऑफ इन हिमाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक एरिया है अंडर दिस प्रोग्राम प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज्ड रेम प्रोवाइड की जाएगी। तो ये प्रोग्राम है जो रैम है, रैम्बुलेंट शिप की वैरायटी, वो जो है सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड की जाएगी सारे के सारे शीप ब्रीडर्स को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। अंडर दिस प्रोग्राम 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग रैम इज सब्सिडाइज। 60% का जो कॉस्ट है, अगर 100 रुपीज की जो है रैम मिल रही है तो 60% उसमें जो है सब्सिडाइज्ड है ना, ओनली 40% ही आपको बियर करना है। दैट इज हिमाचल प्रदेश शीप प्रोड्यूसर विद एटलीस्ट 50 शीप तक जो है ये सब्सिडी एप्लीकेबल होगी, और दो रैम्स पर रेसिपिएंट। एक आदमी अगर एक टाइम में 2 रैम्स लेता है तब उसको 60% की सब्सिडी मिलती है, और अगर इस तरह से वो मैक्सिमम 50 शीप्स लेता है तब भी उसको 60% की सब्सिडी मिलती है, इसके बाद ये सब्सिडी नहीं मिलती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका, जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करनी है इंडिजिनियस शीप और ब्रीड्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है, और टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ मीट एंड वूल। ऑब्वियसली सारे के सारे स्कीम के ये इस तरह के कंपोनेंट्स तो होते ही है। नेक्स्ट एरिया अगर आप देखेंगे वो है कृषक बकरी पालन योजना। इससे पहले जो प्रोग्राम था वो था शीप के लिए, अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है कृषक बकरी पालन योजना बकरी के लिए। अब इसमें देखें इसमें क्या है, अंडर दिस स्कीम इट इज प्रोड्यूस, अलग अलग वेराइटीज दी गई है बकरी की, तो क्या है ये आपने याद रखनी है, बीतल, सिरोही, जमुना परी और वाइट हिमालयन लॉन्ग हेयर्ड ब्रीड्स एट सब्सिडी ऑफ, इसमें भी 60% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो ब्रीड्स है, इन ब्रीड्स का आपने ध्यान रखना है, बीतल, सिरोही, जमुना परी और वाइट हिमालयन लॉन्ग हेयर्ड ब्रीड्स ऑफ बकरीज जो है 60% की इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, जिससे जो है फार्मर की सोशियो इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। और इसका जो कंपोनेंट है वो है 11 गोट्स, 5 गोट्स और 3 गोट्स पर ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं। देयर इज ऑल्सो ए प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस
तो इतना ज़्यादा आपको डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप सिर्फ इस एरिया को ही रिमेंबर रखें, बीतल, सिरोही, जमुनापरी एंड वाइट हिमालयन लॉन्ग हेयर्ड ब्रीड्स। ये कहाँ पर है? हमारे हिमाचल प्रदेश में बकरियों की अलग अलग गोट की अलग अलग वेराइटीज़ है। अगर आप देखें रूरल बैकयार्ड शीप डेवलपमेंट स्कीम चलाई जा रही है, तो ये शीप के लिए और एक प्रोग्राम आ गया। इस प्रोग्राम में शीप यूनिट में 10 से प्लस एक 11 एक फीमेल, ये मेल प्लस एक फीमेल, 95% की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जा रही है। मार्जिनल पुअर जिसके पास लैंड होल्डिंग कितनी हो 2 हेक्टेयर से कम हो, उनके लिए ये 95% सब्सिडी पर इस तरह का ये सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे वो है असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। अब अगर जो भी एनिमल को डिजीजेज हो जाते हैं उसके लिए सेंटर से स्टेट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो जितने भी पॉलिसी प्रोग्राम्स जो भी इन्वेस्टमेंट होगी डिजीज कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कितना शेयर करेगी, 90% जो शेयर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट का ही होगा। टू गिव फ्री इम्यूनाइजेशन, कोई भी डिजीज है उसका जो प्रोपोगेशन है उसको रोकने के लिए जो इम्यूनाइजेशन है उसके लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें 90% जो कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट कितनी कॉस्ट बियर करेगी, सिर्फ और सिर्फ 10%। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है मिल्क फेड, HP मिल्क फेड। आप देखें ये जो मिल्क फेड है वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मिल्क फेड, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेड प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, तो ये एक फेडरेशन है, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट का कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन है जिसको हम हिम मिल्क फेड बोलते हैं, और इसको रजिस्टर किया गया था 1980 में, जबकि इसने वर्क करना शुरू किया 2 अक्टूबर 1983 को, जिसके बाद डेयरी से रिलेटेड सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गवर्नमेंट ने HP मिल्क फेड को दे दी है। तो इसके तहत इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो है मिल्क प्रोड्यूसर के क्या बनाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उनको ऑर्गेनाइज करता है, जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर है उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऑर्गेनाइज करता है, उसके बाद रेमुनरेटिव मार्केट प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स के लिए, है ना, तो मार्केट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि उनको अच्छे प्राइसेस मिल पाए। तीसरा जो है इंश्योर करता है कि जितने भी कंज्यूमर है उनको मिल्क और मिल्क से रिलेटेड अदर प्रोडक्ट जो है एडिक्वेट क्वांटिटी और रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मिल्क फेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में मिल्क फेड ने जो है 1097 मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी है। कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 1097 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिल्क प्रोड्यूसर की हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें से 225 जो है सिर्फ और सिर्फ वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और इन सोसाइटीज़ में टोटल कितने फार्मर्स हैं, 46,973 मेंबर्स जो है फार्मर इन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। इसके बाद अगर आप देखेंगे एट प्रेजेंट मिल्क फेड जो है 22 मिल्क चिलिंग सेंटर चला रहा है, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 91,500 मिल्क पर डे को ये चिल किया जाता है इसमें, और इसके साथ जो है 11 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है मिल्क फेड के चल रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 1,30,000 मिल्क को प्रोसेस करने की है पर डे, 1,30,000 मिल्क पर डे को प्रोसेस करने की कैपेसिटी जो है इन 11 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की है। और ये जो 22 चिलिंग सेंटर्स है यहाँ पर कितना मिल्क जो है चिल किया जाता है, 91,500 मिल्क को चिल किया जाता है। इसके बाद आप देखें 1 मिल्क पाउडर प्लांट चलाया जा रहा है, इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पर मिल्क पाउडर प्लांट चलाया जा रहा है, कहाँ पर, दत्तनगर में चलाया जा रहा है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर 5 मीट्रिक टन ऑफ जो है मिल्क पाउडर डेली प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे एक कैटल फीड प्लांट भी चलाया जा रहा है, जहाँ पर 16 मीट्रिक टन पर डे कैटल फीड जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ये कहाँ है, भोर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के भोर में लोकेटेड है। इसी के साथ लास्ट वन इज द एवरेज मिल्क प्रोक्योरमेंट जो है हमारे मिल्क प्रोक्योरमेंट है वो कितना है, 1,60,000 पर डे मिल्क फीड के द्वारा कितना मिल्क प्रोक्योर किया जाता है, 1,60,000 पर डे गाँव से ये मिल्क प्रोक्योर किया जाता है बाई फ्रॉम दिस विलेज डेयरी कोऑपरेटिव फाइनेंशियल 2022-23 का ये डेटा है। 22 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मिल्क फेड ने कितना मिल्क प्रोक्योर किया है, 1,60,000 पर डे मिल्क प्रोक्योर किया है। कहाँ से प्रोक्योर किया है, बहुत सारे जो मिल्क विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनसे ये मिल्क प्रोक्योर किया है। मिल्क फेड डेली 23,000 दूध को मिल्क को मार्केट करता है डेली, और जो बल्क
इंक्लूडिंग बल्क मिल्क सप्लायर, अलग अलग सप्लायर है, जैसे आपके आर्मी ट्रूप्स को सप्लाई किया जाता है डगशाही में, शिमला में, पालमपुर में, यूल है धर्मशाला रीजन में, और इसी के साथ जो ब्रांड नेम है मिल्क फेड के प्रोडक्शन का वो है हिम। इस ब्रांड नेम के तहत जो है अलग अलग, जैसे मिल्क पाउडर है, घी है, बटर है, दही है, पनीर है, स्वीटेंड या फिर मिल्क खोया है, ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कौन से ब्रांड के अंदर? हिम। तो हिम ब्रांड का जो भी मटेरियल आता है मार्केट में वो किसका है? वो है आपका मिल्क फेड का। इसके साथ आप देखेंगे कि मिल्क फेड ने इनक्रीज किया है मिल्क प्रोडक्शन रेट बाई 2% पर लीटर। पर लीटर जो मिल्क को प्रोसेस करने का रेट है, प्रोडक्शन का जो रेट है उसको बढ़ा दिया गया है 29.80 पर लीटर से ये 31.80 पर लीटर हो गया है। सो ये इन्फॉर्मेशन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एरिया इज हिमाचल प्रदेश। न्यू इनोवेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड में कुछ इनोवेशंस हुई है, वो क्या है? अब जो है हिमाचल प्रदेश का जो मिल्क फेड है, ये जो फेडरेशन है, ये क्या कर रहा है, थोड़ा सोशल सर्विस में भी ये वर्क कर रहे हैं, जिसके तहत ये इस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ प्रोड्यूस को बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे आपका पंजीरी है, बेकरी बिस्किट है, सेवियाँ है, पेस्ता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? आंगनबाड़ी के थ्रू, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है, प्रेग्नेटिंग मदर्स होती है, या फिर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम्स के, इस प्रोग्राम के थ्रू जो है मिल्क फेड से प्रोसेस जो ये सारी की सारी आइटम्स है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड जो एरिया है वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अराउंड 500 मिल्क प्रोड्यूसर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 500 मिल्क प्रोड्यूसर है और लगभग 14 टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है जो रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं, साथ में 3 मार्केटिंग असिस्टेंट्स होंगे जो है गाँव में लोगों को जाकर जो है मिल्क की क्वालिटी से रिलेटेड या फिर क्वान्टिटी से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इनोवेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में एक नई फैक्ट्री बनाई गई है जहाँ पर 50,000 लीटर का जो मिल्क है पर डे उसको प्रोसेस किया जाएगा, और ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है मंडी में। तो कितनी कैपेसिटी है? 50,000 लीटर पर डे। और जो दूसरा है वो है विद ए न्यू प्लांट विद ए कैपेसिटी ऑफ 50,000 लीटर पर डे। इसको कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? दत्तनगर में, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट दत्तनगर। थर्ड वन इज हिमाचल प्रदेश में मिल्क फेड ने अपनी जो है बल्क मिल्क कूलर्स को एस्टेब्लिश किया है, कहाँ पर? करसोग और लंबाथाच मंडी में, और इसकी जो इस कूलर्स की जो कैपेसिटी है वो है 5,000 लीटर पर डे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड के पास 350 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स है जो वेरियस लोकल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वर्क कर रही है। तो ये कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिल्क फेड से रिलेटेड थी। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट एरिया है वो है वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन। इसके तहत देखेंगे वूल प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग फेडरेशन एक्टिवली किसमें एंगेज है? एक्विजिशन ऑफ शीप, चाहे वो अंगूरा वूल है, शेयरिंग ऑफ वूल, पास्चर लेवल, यूजिंग इम्पोर्टेड ऑटोमेटिक मशीनरी एंड सो ऑन। सो ये किसके लिए डेडिकेटेड है ये फेडरेशन? फॉर जो भी वूल है, जो शीप से रिलेटेड जो भी हम वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए, अंडर द हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली डिपिंग एंड डी वार्मिंग ऑफ शीप। 66 लाख शीप और बोट्स को जो है इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत कवर किया है। कितनी जगह पर? चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और किन्नौर में। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 56,999 किलोग्राम ऑफ शीप वूल को जो है परचेज किया गया, जिससे जो है 535 ब्रीडर्स जो वूल जो शिप ब्रीडर्स हैं उनको बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है आपका फिशरी सेक्टर्स में। फिशरी सेक्टर में देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है हमारे हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज में। फिशरी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आप देखें स्टेट हैज फ्रेम्ड हिमाचल प्रदेश फिशरी रूल्स भी बनाए गए हैं रिसेंटली 2020 में, नए फिशरी रूल्स बना दिए गए हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसी कल्चर। तो ये आपने ध्यान रखना है 2020 के नए रूल्स हैं, और इन रूल्स के तहत जो है ड्यूरिंग देयर डाउन स्ट्रीम जो जर्नी है, जो ये ब्यास रिवर है, सतलज है, रावी रिवर है, ये सेवरल स्ट्रीम को एक्वायर करती है, छोटे छोटे कल्ड वाटर की स्ट्रीम को एक्वायर करती है, जिसमें जो है कोल्ड वाटर फिश स्पीशीज जैसे स्कीजोथोरैक्स, गोल्डन मशीर और एक्सोटिक ट्राउट इन कोल्ड वाटर स्ट्रीम में जो है ये कोल्ड वाटर स्पीशीज थ्राइव करती है। द कोल्ड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट हैव डेमोंस्ट्रेटेड
इट्स प्रॉमिस विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एम्बिशियस इंडो नॉर्वेजियन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट. तो ये इंडो और इंडिया और नॉर्वे का जो एक ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट है, इसको प्रोमोट किया जा रहा है इन सब स्ट्रीम में, कोल्ड वाटर्स जो भी हमारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, जो इन सब बड़ी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है. द इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट फिश स्पीशीज जो है वो है, कहाँ पर पाई जाती है, इधर गोविंद सागर, पोंग, चमेरा और जो रंजीत सागर डैम है वहाँ पर जो है ये अलग अलग प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट फिश की स्पीशीज पाई जाती है. अगर आप फिश प्रोडक्शन का डेटा देखें, फिश प्रोडक्शन का आप डेटा देखें, तो फिश प्रोडक्शन में 6175 फिशरमैन है स्टेट में जो डायरेक्टली रिजर्वॉयर फिशरीज पर से लाइवलीहुड गेन करते हैं. रिजर्वॉयर फिशरीज से, नॉट पोंड बट रिजर्वॉयर फिशरी से लाइवलीहुड गेन करते हैं 6175 फिशरमैन हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं. जैसे क्यूमुलेटिव फिश प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश का कितना है, 17,136 मीट्रिक टन है 2022-23 का ये डाटा है. ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे. अराउंड 6.33 टन ट्राउट हैज बीन सोल्ड फ्रॉम द स्टेट फार्म ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 22-23 में अप टू दिसंबर 2022 तक 6.33 टन, 6 टन ट्राउट फिशेस को हमने सोल्ड कर दिया गया था. फिश प्रोडक्शन मोर देन डबल्ड बिटवीन 2012-13 से 21-22 में फिश प्रोडक्शन डबल हुआ है. और अगर आप कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट है फिशरी का इन सालों में, वो कितना है, 7.2% है. तो ये 7.2% की जो ग्रोथ है फिशरी सेक्टर में, ये बहुत अच्छी ग्रोथ है. पिछले पूरे के पूरे 8-10 सालों का ये डेटा है, इसमें ग्रोथ 8-10% के बीच में रही है. सो दिस एरिया इज एक्चुअली द सनशाइन इंडस्ट्री के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, जिसमें अभी आगे जो है ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है. द ओवरऑल फिश प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 8,560 मीट्रिक टन इन 2012 से 16,000 मीट्रिक टन 2021-22 में हो गई है. तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है. द ओवरऑल ट्राउट प्रोडक्शन डिक्रीज, ट्राउट में की प्रोडक्शन में डिक्रीज भी देखा गया है. अभी 19.18 टन 2012-13 से 13.68 टन 2021-22. तो ये आप देखें कि जो फिशरीज में स्पेसिफिकली जो ट्राउट है, इनकी पॉपुलेशन में, इनकी ग्रोथ में कमी आई है. ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डेटा था जो हमने आपको बता दिया है. सो जो नेक्स्ट एरिया है इसमें, वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिशरी प्रोडक्ट. टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फिश फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो है, जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हुआ है. जो कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट है एक्सपोर्ट का, उसमें 1.18% की कमी हुई है 2012-13 से 2021-22 में. 10 सालों में इसमें कमी हुई है. टोटल इंपोर्ट फिशेस ऑफ ऑल सोर्सेज इसमें इंक्रीज हुई है. इंपोर्ट घटा है बट जो एक्सपोर्ट घटा है बट इंपोर्ट में वृद्धि हो गई है 12.17% का पिछले 10 सालों में. और अगर आप देखें जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज, जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की, वो इंक्रीज हुई है. वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां देखें एक्सपोर्ट नंबर्स में डिक्रीज हुआ है परसेंटेज, बट जो वैल्यू है, दैट मींस जो फिशरीज के जो प्रोडक्ट है उसका रेट बढ़ गया है. जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है उससे हमें इतने परसेंट की हमारी जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की, उसमें वृद्धि हुई है 15.73% की. और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट भी इंक्रीज हुई है, 26% की वैल्यू ऑफ इंपोर्ट भी इंक्रीज हुई है पिछले 10 सालों में. तो ये एक एरिया हमने कवर कर दिया है फिशरी का. और जो नेक्स्ट एरिया है वो है आपका ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर. तो आपने पहले भी हमने ये डिस्कस कर दिया है, फिशरी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में. तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है 0.14% हमारे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में. पूरे स्टेट का जो वैल्यू एडिशन है उसमें सिर्फ 0.14% वैल्यू एडिशन किसने किया है, फिशरी सेक्टर ने किया है. जबकि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में इसका कंट्रीब्यूशन 1% है 2022-23 अभी का ये इकोनॉमिक सर्वे बताता है. इसके साथ द फिशरी सब सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो, अभी जो इसका एस्टिमेट है वो है 7% का ग्रोथ होने की संभावना है इसकी 2022-23 में, जबकि 21-22 में इसमें ग्रोथ हुई है 7.8% की. अगर आप देखें इंश्योरेंस एंड वेलफेयर स्कीम, इस सेक्टर में फिशरमैन आर कवर्ड. इंश्योरेंस स्कीम के तहत इनको कवर किया गया है, जिसमें 5,00,000 का इंश्योरेंस कवर दिया गया है अगर किसी फिशरमैन की डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर कोई इवन द लॉसेस टू देयर गियर्स एंड क्राफ्ट हो जाए, तो उस केस में भी उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है. सेविंग कम रिलीफ फंड स्कीम नाउ रीनेम्ड लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्टिव ट्रेडिशनल फिशरीज फार्मर, कंजर्वेशन ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज ड्यूरिंग फिशिंग बैन लीन पीरियड.
अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो कभी कभी अगर किसी भी कारणों से फिशिंग की प्रोडक्शन में बैन लग जाए या फिर फिशिज की प्रोडक्शन लीन सीजन में कम हो जाए तो उस दिशा में भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है ये फिशरी जो फार्मर्स है इनकी नीड का ध्यान रखा जाता है। तो ये हमारा फिशरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एरिया था। इसके बाद देखेंगे ये ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, एक लास्ट में एक टॉपिक है वो है ट्राउट जो एक फिश की वैरायटी है उसका लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है दिस प्रोग्राम को 2022-23 के लिए इन ऑर्डर टू गिव इंश्योरेंस कवरेज फॉर द लाइफ स्टॉक ऑफ कोल्ड वाटर फिश। कोल्ड वाटर फिश कौन सी है, ट्राउट फिश है हिमाचल प्रदेश में। इसके तहत 65% का सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, सबसे प्रीमियम के ऊपर जो भी इंश्योरेंस कवरेज का प्रीमियम होगा उस पर 65% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि 35% जो है फार्मर्स के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है जो ये इंश्योरेंस कवरेज को प्रोवाइड करेगी विद ए प्रीमियम ऑफ 19,155 पर ईयर। 19,155 रुपीज़ का जो पर ईयर प्रीमियम है वो ट्राउट के लिए पे किया जाएगा, जिससे फार्मर को मैक्सिमम इनपुट कॉस्ट कितनी हो, 2.50 लाख पर यूनिट हो। द प्रोजेक्ट प्रोवाइड डायरेक्ट बेनिफिट टू 666 ट्राउट फार्म विथ 1292 रेसवेज यूनिट। तो यह कुछ एक इन्फॉर्मेशन है फिशरी सेक्टर की। तो हमने ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसोर्स से रिलेटेड कुछ एक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो सर्वे है ये आपको एक होलिस्टिक आइडिया देता है कि क्या क्या हमारी इकॉनमी में चल रहा है, पर सेक्टर क्या क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं। तो एज इट ये जो डॉक्यूमेंट है एज इट इज़ जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से हम आपके बीच में प्रेजेंट करते हैं। और अगेन अगर आप देखें जो प्रीलिम में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो इस सेक्टर से कट पेस्ट करके क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो इसीलिए आप जो है इस सेक्टर को कम्प्लीटली, इस सेक्शन को कम्प्लीटली कवर करें। अगर आपको ये हमारे जो एफर्ट्स है ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू सो मच।